Hey guys, this is me, Mrinmoy Karmakar, and you are watching your all new YouTube channel, The Untold Mac. So guys, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि how to prepare for JNU BA in Foreign Language for 2021 entrance examination, जो कि NTA करवाता है, National Testing Agency. So काफ़ी बच्चे हैं जो कि पिछले साल अपेयर हुए थे और काफ़ी सारे ऐसे भी नए एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस साल अपेयर होने वाले, मतलब आने वाले 2021 में अपेयर होने वाले, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि ये वीडियो मैं आज से एग्जाम के काफ़ी दिनों पहले ही बना दे रहा हूँ, नवंबर 2020 में, आज 1 नवंबर है, ताकि उनको जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि JNU है क्या और JNU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता क्या एक्चुअली में, ठीक है ना, कैसे प्रिपेयर करना है आपको. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे बड़ी बात आपको आपके मॉरल को बूस्ट करने के लिए मैं बता दूँ कि JNU का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ओके, बाकी एग्जामिनेशन जैसे, मतलब बाकी जैसे एग्जामिनेशन होते हैं IIT NJEE के वगैरह जैसे, वैसे JNU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन उतना टफ नहीं होता है. क्वेश्चन पैटर्न का जो लेवल रहता है वो मीडियम रहता है और हाई तो नहीं रहता है, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ. एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ कन्फर्म बता सकता हूँ कि हाई नहीं रहता है, मीडियम रहता है. आप चाहो तो इसको 1-1.5-2-3 महीने में आराम से क्रैक कर सकते हो ईजिली, ओके. सो चलिए बात करते हैं एग्जाम के बारे में. तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि JNU में कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज होते हैं. तो JNU में टोटल 10 लैंग्वेज होते हैं, ओके. 10 लैंग्वेज में से पहले 4 यूरोपियन होते हैं, जो कि होते हैं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड रशियन, ओके. उसके बाद आता है एशियन लैंग्वेज में. एशियन लैंग्वेज में आपको पता है चाइनीज, कोरियन एंड जैपनीज, ओके. एंड सो लास्ट तीन होते हैं, वो होते हैं पर्शियन, अरेबिक एंड पश्तो. तो ये टोटल 10 लैंग्वेज होते हैं JNU में, ओके, जो कि आप BA इन फॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं. अब इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है NTA कंडक्ट, और ये NTA तकरीबन अप्रैल से मई के महीने में होता है ये हर साल, ओके. इस साल 2020 में काफ़ी देरी से हुई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस, बट नेक्स्ट ईयर से शायद ये नॉर्मल टाइम पे ही होगी, जो अप्रैल मई के टाइम पे होते हैं. और जो इसका फॉर्म आउट होता है वो होता है बेसिकली फरवरी से मार्च को लेकर, ठीक है ना, मार्च से फरवरी के बीच में इसका फॉर्म आता है JNU का, ओके. सो पिछले साल से आपको बता होना चाहिए कि JNU ने, मतलब NTA ने अपना क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया है. मतलब पहले जो इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आते थे 2020 से पहले 19 तक, वहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न कुछ अलग होते थे, वो थोड़े काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वाला सिचुएशन था, बट पिछले साल से पूरा एकदम क्लियर कर दिया, सॉर्ट कर दिया है. एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, चाहे आप 10 में से आपको 3 लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट करना होता, कोई भी 3 लैंग्वेज ऑप्ट करो, कोई भी 3 लैंग्वेज के लिए फॉर्म भरो, तो आपको एक ही एग्जाम देना है उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन. फिर बता देता हूँ, आपको कोई 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है JNU के फॉर्म भरते टाइम, तो 3 लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उन 3 लैंग्वेज के प्रायोरिटी बेसिस में डालना है. फिर आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा कॉमन, जितना आपका स्कोर आएगा उस हिसाब से आपको फर्स्ट का कट ऑफ मैच करेगा तो मिलेगा, नहीं तो सेकंड लैंग्वेज में कट ऑफ मैच करेगा ना तो थर्ड मिलेगा, ओके. तो ऐसे आपका सिलेक्शन होता है. सीट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं सारे ही लैंग्वेजेस में, तकरीबन 35 से 40 के आसपास सीट्स होते हैं, 35-30 ऐसे सीट्स होते हैं. तो कॉम्पिटिशन थोड़ी टफ होती है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो ईजी होता है, ओके. अब मैं आपको बता दूँ प्रिपरेशन कैसे करना है. प्रिपरेशन करने के लिए एक बुक मस्ट है जो आपको लेना पड़ेगा, वो है आर गुप्ता का ये बुक, JNU आर गुप्ता BA इन फॉरेन लैंग्वेज. ये जो फॉरेन लैंग्वेज का जो बुक है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, बिलीव मी बेस्ट बुक है. आप अगर ये बुक लेते हो आर गुप्ता, आई डोंट थिंक आपको साइड से कोई भी और बुक लेनी पड़ेगी, तो आपको ये बुक लेना है, ओके. इस बुक को लेने के बाद आपको कैसे प्रिपरेशन करना है मैं बताता हूँ. इस बुक में सबसे पहले 2 चीज़ आपको हेल्प करेगी. इस बुक में मिल जाएगा आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली लास्ट ईयर में जो पैटर्न चेंज हुआ है वो देखना तो बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे पहले आप बुक को पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो. मेरा सबसे, मतलब JNU का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ. चलो सिलेबस की अगर बात करें JNU BA इन फॉरेन लैंग्वेज की, तो उसमें होती है आपको रीजनिंग, इंग्लिश होती है, GA होती है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है, यहीं इसी के आसपास आपकी सिलेबस होती है. ऊपर नीचे बढ़ सकता है, इंग्लिश, रीजनिंग, आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड आपका GA, जनरल अवेयरनेस, ओके. तो आपको आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है ये काफ़ी इजी होता है, आप अगर थोड़ी सी थोड़ा ध्यान दोगे तो आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज निकल जाएगा. इंग्लिश में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपको जानना पड़ेगा, उतना भी कुछ टफ नहीं रहता है, पैसेज वैसेज रहता है, बट हो जाएगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन. मेन चीज़ आता है GA, तो GA में आपको देखना है कि कैसे, सॉरी मैं बोल रहा था कि GA जो सेक्शन है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो आपको GA में समझ में आ जाएगा आपको कैसे पढ़ना है.
तो ये हो गया चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपके आपको उसके बाद पता चल जाएगा सिलेबस को आपको किस तरीके से लेके जाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट सो टफ। ओके, आप निकाल सकते हो, अगर आप 2 महीने पहले भी स्टार्ट करो तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं फॉर अ सेफ साइड मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे देखें उन्हें पहले से एक अंदाज़ा मिल जाए। ओके, और लास्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, फिर से एक बात है, रीजनिंग में कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि आपको इस बुक से काम चल जाएगा। ओके, सो रीजनिंग हुई है, क्वांट या मैथ्स नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती एग्जाम में। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाए, बट चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है कि क्वांट और मैथ जैसा कोई सिलेबस ऐड भी होगा। ओके, सो सिलेबस बहुत ही मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है एंड ज़्यादा ईजी भी नहीं है, बीच में है, आपका हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये बुक आपको लेनी है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे, सारा कंप्लीट कर लोगे, ये बुक खत्म कर दोगे, ये बुक 1 महीने का खेल है, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर आप डेली बनाओगे, डेली 1-1.5 घंटे दोगे इसमें तो आराम से हो जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, विकिपीडिया खोलना है, जितने भी लैंग्वेजेस है। ओके, आपका JNU का कॉमन 10 के 10 लैंग्वेज का, आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट करो, एक कॉमन पेपर होगा, तो एक कॉमन पेपर के लिए आपको सारे लैंग्वेजेस सारे कंट्री को थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। उसके लिए जितने भी लैंग्वेजेस हैं सारे कंट्री के विकिपीडियाज़ को खोल के पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन लेनी है। और जैसे जैसे आप विकिपीडिया से पढ़ोगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जनरल अवेयरनेस उस कंट्री के बारे में एंड ऑल, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। थोड़ा इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी देख लेना, इंडिया से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादातर। ओके, सो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक अच्छी बात होती है JNU की, JNU खुद क्लास कंडक्ट कराता है एग्जाम के 1 महीने पहले। JNU में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, अलग अलग पार्टी होते हैं, जो भी ग्रुप्स होते हैं वो लोग खुद ऑर्गेनाइज़ करते हैं एग्जामिनेशन। तो वहाँ उस वो 1 महीने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले आपको ग्रुप आ जाएगा व्हाट्सएप पे, आप ऐड कर सकते हो। पिछले साल तो ऑनलाइन क्लासेस भी थी, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिले थे, तो वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगता आपको। सो वो सारे ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं व्हाट्सएप पे। कैसे कहाँ ग्रुप्स मिलेंगे वो जब आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं भी मिलेगा तो आप JNU के फेसबुक पे पेज पे चले जाना, वहाँ आपको पता चल जाएगा। नहीं तो कोई भी सीनियर से JNU को पूछना, वो आपको उस ग्रुप तक पहुँचा देंगे। ओके, इट्स वेरी इजी, उसके लिए टेंशन मत लो, जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, आपको ग्रुप के पीछे अभी नहीं भागना है, आप अभी खुद के लिए तैयारी करो। वो जो ग्रुप्स होंगे वहाँ पे बहुत हेल्पफुल ग्रुप्स होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर लो एंड दैट्स इट। सो यही बोलना था, मैं और भी JNU के ऊपर वीडियो लाऊंगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे है, नहीं है, और भी JNU के ऊपर डिफरेंट आगे मैं बताते चलूँगा आपको। मैं बस एक शॉर्ट समरी बताना चाहता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है आपको। आर गुप्ता बुक जो है ये अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको इसकी PDF ऑनलाइन मिल जाएगी बुक की, क्रोम में आप सर्च करना कहीं पे इंटरनेट पे JNU आर गुप्ता, मैं फिर से बता रहा हूँ JNU आर गुप्ता बुक, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये PDF सर्च करना आपको मिल जाएगी, इस बुक को बना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी आपको JNU के जो भी क्लासेस लगेंगे उनका पता आपको मैं बता दूंगा, चल जाएगा 1 महीना पहले, दैट्स इट। सो यही है, और भी आगे और भी एडमिशन प्रोसेस क्या होगा नहीं होगा मैं आपको इन्फॉर्म करते चलूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to my channel. Thank you.